क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तेरे पहला देखिए 6 दिया है पहला पद, दूसरा 9, 12, 15, इस तरह से पद दिए गए 57 तक। तो हम लोग मान लेते कि मान समांतर श्रेणी में कुल एन पद हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए तो इसका यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 6 है, सार्व अंतर यानी कि डी जो है A2 - A1, 9 में से 6 हो गया आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एनवा पद कौन सा हो जाएगा, एनवा पद 57 हो जाएगा। तो ए प्लस का n-1 × d = 57, ए का मान है यहाँ 6, n-1 और डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 3 = 57। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, n-1 × 3 = हो जाएगा 57 - 6, n-1 × 3 = 57, में से 6 को घटा लेंगे यहाँ पे 51 आ जाएगा। तो n-1 = 51/3 कट जाएगा 17, एक जाके उधर जुड़ जाएगा n का मान 18। अतः लिख सकते हैं कि अतः AP में कुल 18 पद हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका